गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जो हमारी बातें थी वो किसके बारे में, अपन रक्त का थक्का जमना या रुधिर स्कंदन के बारे में बात कर रहे थे। रुधिर का स्कंदन या रुधिर का थक्का जमना, जिसमें हमने जो रक्त रुधिर स्कंदन कारक जो थे 13, उनके बारे में पढ़ने पड़ा। तो आज इसकी प्रक्रिया जो है रुधिर स्कंदन की, रुधिर स्कंदन क्या होता है कि रुधिर जो है, रुधिर के घाव जहाँ से हमें चोट लगती है, उस चोट लगने के पश्चात लगभग 6 से 10 मिनट के अंदर रक्त धीरे धीरे रुक जाता है। तो उसी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, रक्त का थक्का जमना। अब रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया जो होती है उसमें 3 स्टेप होती हैं, जिसमें पहली स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय करने वाले कारक का निर्माण होगा सबसे पहले। तो अर्थात प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको क्या किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक अर्थात प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण होगा सबसे पहले। तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक ये जो बना, इसका निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले जैसे ही हमारे चोट लगती है घाव उत्पन्न होता है, घाव से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। अर्थात जहाँ पर ऊतक की क्षति होती है, ऊतक की क्षति के साथ ही प्लेटलेट्स बाहर आती हैं, अर्थात प्लेटलेट्स धीरे धीरे टूटती हैं, और प्लेटलेट जैसे टूटती हैं तो प्लेटलेट्स जो है उनसे क्या बाहर निकलता है, यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकलता है। क्या निकलता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये बाहर निकलेगा कब, जब ऊतक क्षति या रक्त कोशिकाएँ जो पट्टिकाणु जो हैं या प्लेटलेट्स जो हैं वो टूटती हैं, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या निकलेगा, वहाँ से बाहर निकलता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये किसके साथ, रक्त स्कंदन कारक कौन कौन से, 7th और 10th के साथ मिलता है। सबसे पहले किसके साथ होगा, मिलेगा रक्त कारक 7th और 8th के साथ मिलता है, और ये 7th और 8th जो है इसको सक्रिय करेंगे, और ये सभी कारक जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन 7th, 8th, 10th और कैल्शियम आयन के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय अर्थात प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा यहाँ पर। अब ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो है ये क्या काम करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा जो है रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है प्रोटीन के रूप में, ये प्रोटीन है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो अब किस में बदला जाएगा, थ्रोम्बिन में बदला जाएगा, और थ्रोम्बिन में किसके द्वारा बदला जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। और ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या है, जिसमें कैल्शियम आयन है, 7th कारक है, 10th कारक है, उसके बाद में थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सभी मिलकर क्या बनाए, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण किया। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय किसको सक्रिय करेगा, जो प्लाज्मा में घुली हुई प्रोटीन जो है कौन है, प्रोथ्रोम्बिन, उसको किस में बदलेगा, ये थ्रोम्बिन में। अर्थात ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये क्या, निष्क्रिय प्रोटीन है, निष्क्रिय, और ये जो है ये क्या है, सक्रिय। अब ये सक्रिय, ये सक्रिय थ्रोम्बिन जो है ये क्या काम करेगी, जो रक्त प्लाज्मा में एक और अन्य प्रोटीन जो है कौन, फाइब्रिनोजन, ये भी क्या है, प्रोटीन है, ये कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में घुलित रूप में पाई जाती है। और फाइब्रिनोजन जो है एक अघुलनशील प्रोटीन होती है, ये क्या, कौन सी प्रोटीन है, घुलनशील प्रोटीन। अब ये घुलनशील प्रोटीन को कौन है, ये कौन सा, ये जो थ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन क्या काम करता है, ये थ्रोम्बिन कार्य करेगा किसके ऊपर, फाइब्रिनोजन के ऊपर। और फाइब्रिनोजन जो है, जो घुलनशील प्रोटीन है, इस ये थ्रोम्बिन के द्वारा इस फाइब्रिनोजन को किस में बदला जाता है, फाइब्रिन एक लक में बदला जाता है। अर्थात फाइब्रिन जो है उसकी एक लक इकाई का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये फाइब्रिन जो है एक लक इकाई हो गई, और इसकी बहुत सारी इकाई आपस में मिलकर क्या बना लेती है, एक जाल बना लेती है। तो यहाँ पर जो बनता है फाइब्रिन जाल बनता है, क्या बनेगा, फाइब्रिन जाल। फाइब्रिन एक लक के मिलने से, है ना, फाइब्रिन एक लक का निर्माण कहाँ से हुआ, फाइब्रिनोजन से।
फाइब्रिनोजन पर क्रिया कौन की? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को किस में बदल दिया? फाइब्रिन एकलक में। अर्थात ये फाइब्रिनोजन जो है ये क्या है? घुलनशील। और फाइब्रिन एकलक जो है ये क्या है? अघुलनशील। ये क्या है? अघुलनशील है। तो ये एकलक जो है ये बहुत सारे आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? एक जाल बना लेते हैं। किसके चारों तरफ? घाव के चारों तरफ। अर्थात जहाँ अपनी चोट लगी है उस चोट के चारों तरफ या उस चोट के अंदर क्या बन जाता है? एक फाइब्रिन एकलक इकाइयों का एक जाल बन जाता है, फाइब्रिन तंतुओं का जाल बन जाता है। और इस जाल में कौन फंसेगी? अब बाहर निकल रहा है ना रक्त। अब रक्त में क्या है? ये प्रोटीन थी, प्रोटीन के साथ रक्त कोशिकाएं भी तो हैं। तो इस जाल में कौन फंसना चालू हो जाएगी? रक्त कोशिकाएं, रक्त कणिकाएं। जैसे इस जाल में रक्त कणिकाएं फंसती हैं, फंसने के बाद में एक ठोस संरचना का निर्माण हो जाता है और जिसे ही क्या कहा जाता है? रक्त का थक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त का थक्का। अब रक्त का थक्का जम गया, जमने के साथ ही जो रक्त के अंदर जो फाइब्रिनोजन था, रक्त कोशिकाएं यहाँ फंस गई। रक्त के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन, तो रक्त के अंदर दो चीज होती है, एक होती है प्लाज्मा। अगर अपन रक्त की बात करते हैं तो रक्त के संगठन में अपन ने बात किया कि रक्त जो है कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? दो, एक तो प्लाज्मा और एक है रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा तो लगभग कितना होता है? 55% और रक्त कणिकाएं कितनी होती है? लगभग 45%। ये अपन देख चुके हैं पहले। प्लाज्मा के अंदर लगभग 95% क्या होता है? 92 के आसपास क्या रहेगा? पानी रहता है। लगभग 7% क्या होती है? कार्बनिक और कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, जो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी पाई जाती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी पाई जाती है ना। तो ये प्रोटीन घुलित अवस्था में। अब बताओ मेरे को, ये फाइब्रिन जाल बना, फाइब्रिन जाल से प्रोथ्रोम्बिन और ये मिलकर ये फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन का अपघटन हुआ और फाइब्रिनोजन किस में बदल गया? फाइब्रिन में बदल गया, नहीं बदल गया। इसका मतलब अब प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन नहीं है, वो किस में बदल गया? फाइब्रिन में। और रक्त कणिकाएं इसमें फंस गई। अब जैसे ही थक्का बना, थक्का बनने के साथ ही हल्का येलो पदार्थ बाहर निकलता है, एक चिकना चिकना सा। देखना कभी भी थक्के के ऊपर जो है अपना, जैसे रक्त रुक जाता है, रुकने के साथ ही एक हल्का येलो पदार्थ बाहर निकलता है। उस हल्के येलो पदार्थ को क्या कहा जाता है? सीरम। क्या कहेंगे? सीरम। अब मेरे को ये बताना है कि ये सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर हुआ? सीरम और प्लाज्मा दोनों एक ही चीज़ है, परंतु इसमें अंतर ये हुआ कि यहाँ पर ये फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में तो ये भी पाई जाती है, परंतु सीरम जो है उसमें ये नहीं पाई जाएगी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, क्योंकि उसको किस में बदल दिया? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन का क्या बन गया? एक जाल बन गया जिसमें कौन अटक गए? रक्त कोशिकाएँ। तो रक्त कोशिकाएँ तो प्लाज्मा से पहले ही अलग होती है, और उसके अलावा यहाँ पर क्या अलग हो गया साथ में? फाइब्रिनोजन प्रोटीन अलग हो गई, नहीं हो गई। तो प्लाज्मा और यहाँ तो फाइब्रिनोजन के अलावा जो बाहर हल्का येलो पदार्थ निकलता है उसे ही क्या कहा जाता है? सीरम। तो सीरम और प्लाज्मा में अंतर क्या हुआ कि सीरम जो है उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जबकि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है? रक्त का थक्का बनता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। देखो, ऊतक क्षति या पट्टिकाणुओं का टूटना, ये कब टूटेगी? जब हमको कोई चोट लगेगी। जैसे ऊतक क्षति होगी, ऊतक क्षति के साथ पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स जो है वो टूटती है, ब्रेक होती है। प्लेटलेट्स के टूटते ही कौन बाहर निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे हवा के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो ये क्या कर देती है? यहाँ पर ये इस रक्त स्कंदन कारक 10 और 8 जो है उसको सक्रिय कर देती है। अब ये सक्रिय होकर ये किसके साथ मिल जाता है? कैल्शियम के साथ मिलकर ये क्या बना लेता है? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कर देता है। तो ये सक्रिय कारक तभी होंगे जब चोट लगेगी और रक्त बाहर निकलेगा, अन्यथा सक्रिय नहीं होंगे। तो ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण हो गया, और ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक अब क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक निष्क्रिय प्रोटीन है जो कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर। ये कहाँ है? प्लाज्मा के अंदर।
और ये प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो है वो किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन में बदल देता है। और थ्रोम्बिन जो है वो किसके साथ मिलता है, कैल्शियम आयन के साथ मिलकर किसको, फाइब्रिनोजन को किस में बदल देता है, फाइब्रिन में बदल देता है। अर्थात इसका अपघटन करके फाइब्रिन एकलक का निर्माण कर देता है। और ये फाइब्रिन एकलक, एकलक का मतलब होता है एक इकाई, है ना, फाइब्रिन एकलक की का निर्माण होगा। और ये बहुत सारी फाइब्रिन एक लग आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर देती है, एक जाल का निर्माण कर देती है। और उस जाल को ही क्या, और उस जाल में धीरे धीरे क्या फंस जाएंगी, रक्त कोशिकाएं। और वो रक्त कोशिकाएं प्लस फाइब्रिन तंतुओं का जो जाल होता है उसे ही क्या कहा जाता है, रक्त का थक्का कहा जाता है। और धीरे धीरे रक्त रुक जाता है। तो रक्त के थक्के में लगभग छह से कितना,